पब्लिक के लिए क्या ये चीजें आप लोगों को पब्लिक के लिए जो ये बिहेवियर पूरा माल पंजाब से आया था यहाँ से। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा यहाँ जो चावल एक्चुअली या गेहूँ है हमने जम्मू में जितना एक्चुअली हमने प्रोक्योरमेंट करते हैं इस दौरान एक्चुअली हमने यहाँ भी रखे हैं। इसके अलावा जो कमी होता है हमने रोड मोड के थ्रू यहाँ फीड कर रहे हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो स्टॉक देख रहे हैं ये स्टॉक में करीब करीब हमें एक्चुअली करीब 174 एमटी इसको 3480 पैकेट के आसपास एक्चुअली हमने रखे हुए हैं। इस स्टॉक में एक्चुअली ये रखा हुआ ये स्टॉक का लंबाई और एक्चुअली चौड़ाई अगर बोला जाए तो मोटा मोटी 9 मीटर है लंबाई और चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई जो है 4.5 मीटर के आसपास है। तो इसको हमने लेबर के द्वारा इसको स्टॉकिंग कराते ये आपने इसमें एक स्टॉक कार्ड लगा हुआ है पीछे आप देख सकते हैं पीछे से एक स्टॉक कार्ड लगा हुआ है। ये स्टॉक कार्ड में हमने इसमें जैसे जैसे ये स्टॉक में स्टॉक आया उसका डिटेल्स लिखा रहता है कि जैसे स्टॉक आज स्टार्ट हुआ तो इसमें एक्चुअली स्टॉक की आज के दिन में कितना आया टोटल बैलेंस कितना बनता है। तो इस तरह का हम टोटल डाटा रखें और इससे जैसे इशूज आएगा इस तरह का डाटा यहाँ भी अपडेट हम करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि जो प्रिजर्वेशन के कारण एक्चुअली हमने कई सारी स्प्रे करते हैं और हर 15 दिन में स्टॉक को जांच करते हैं इसका जानकारी भी आपको स्टॉक कार्ड में मिल जाएगा। उसमें हर चीज़ हर 15 दिन में हमने जो स्टॉक का जांच करते हैं उसमें डैमेज कितना है डिस्कलर कितना है और नमी कितना मॉइस्चर कितना इसको लिखते हैं। या गेहूं में जो एक्चुअली बताया गया जी उसमें ओविलाइजेशन परसेंटेज और मॉइस्चर हम लिखते हैं। समय जो स्पिलेज होते हैं ना फला बैग में फूड ग्रेन्स नॉट बी टू बी क्लीन नॉट फॉर फीडिंग ऐसा नहीं कि सर 5 मिनट आज का जो इंट्रैक्शन है मीडिया इंट्रैक्शन है इसका पर्पस है कि FCI की फंक्शनिंग और FCI किस तरीके से हमारे PM मोदी जी के लीडरशिप में कैसे आगे प्रोग्रेसिवली काम कर रही है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे उप महाप्रबंधक श्री P. लोकानंदन साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रेस ब्रीफ को शुरू करें। वार्मली वेलकम मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे साथ बैठे हैं हमारे AGMs माय नेम इज़ लोकानंदन डी जमा I just explained the basic operations of the FCI that you all know that FCI has been established in 1965 by the act of the parliament. Uske baad us samay mein we used to import all the food grains wheat rice from Canada Australia and America other countries. Now because of the introduction of the green revolution in 65 onwards now we became self sufficient. The main procuring regions are Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra, Telangana. Now we are in a position to give the food grains to other countries. Okay, now recently you know that Ukraine Russia war is there because of that so many countries have been affected. Now they are begging from India, so we are in a position to give them. That is the one part of the story. Second part is the basic functions of the FCI is to procure the paddy rice and move it to the godowns, store it for some time, preserve it in quality parameters and giving it to the state government for central government schemes, implementation of central government scheme. That is the main function of the FCI. And we have sufficient buffer stocks with us for meeting the requirement of the country for another 2-3 years. Such a huge quantity of the buffer stocks we have. And the basic operations of the FCI, how we procure and how we manage the food grains, how we keep the food grains in healthy condition will be explained by my AGMQC, Mr. Sahuji. Please continue. और आज बड़ी खुशी की दिन है बड़ी अच्छी लगता है क्योंकि FCI जो सर ने जैसे बताया कि ये 1965 से ही एग्जिस्ट कर रहा है और इसका जो बेसिक एक्चुअली जो मोटो है जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है
कि हमने एक्चुअली आज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्चुअली हमने हर घर में हर एक आदमी को ये इंसान को हमने आज खाना पहुंचाने में एक्चुअली एफसीआई सक्षम है। इस दौरान एक्चुअली हमने एफसीआई में ज़्यादातर एक्चुअली हमने दो कमोडिटी मेनली एक्चुअली हमने ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि राइस एंड व्हीट। और इसके तहत एक्चुअली हमने फार्मर से जो एफसीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि रेमुनरेटरी प्राइस फार्मर को मिलना चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा बताया गया, इसके तहत एक्चुअली हमने डिफरेंट मंडी में जाके ऑपरेट करके हमने फार्मर से पैडी हो गया या राइस हो गया इसको पैडी हो गया या व्हीट हो गया इसको हमने मंडी से प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करने के उपरांत एक्चुअली जैसे कि धान हमने मंडी से लिए तो उससे धान को हमने मिलर के थ्रू मिलिंग करा के उसमें हम चावल लेते हैं, और साथ ही साथ गेहूँ जो आता है इसको हमने जन वितरण प्रणाली में हमने इसको लोगों के पास पहुँचा देते हैं। तो ये जो परचेज करने के लिए जो धान हम परचेज करते हैं या मिलर से जो चावल मिलिंग करते हैं इसको खरीदने के दौर पे एक्चुअली जब हम एक्चुअली उसमें कोई मानक हमने इसके भारत सरकार ने उसको निर्धारण करके रखा है, इस मानक के तहत को इसको मानक में अंदर में रहते हुए हम इसको परचेज करते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक्चुअली फार्मर को अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराते हैं कि किस रकम का पाड़ी पैडी और उसमें जो पैरामीटर जो बताया गया जो गुणवत्ता रहना चाहिए उसके बारे में हमने उनको जानकारी देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, और इनको सटीक जो प्राइस जो सरकार के द्वारा जो MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बताया गया इसको इंश्योर कराने के चक्कर में हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, ताकि इसमें किसी की दूसरे किसी का भागीदारी ना रहे, ताकि फार्मर को सही प्राइस मिले इसको हम इंश्योर कराते हैं। ये जब जैसे पैडी आने के बाद जैसे मिलर के पास मिलिंग होने के लिए जाता है तो मिलर भी हमें जब चावल देता है इसका भी हमने मानक एक्चुअली भारत सरकार ने उसको निर्धारण करके रखा है। इस मानक को तहत एक्चुअली हमने उससे खरीदारी करते हैं, जो चावल जो मानक के अंदर में नहीं रहा जो बाहर चला गया तो उसको हमने रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चावल या गेहूँ जो जैसे हमारा गोदाम में जैसे आ जाता है तो इसको हमने एक्चुअली क्या करते हैं इसको स्टोरेज करते हैं। इस स्टोरेज के दौरान एक्चुअली हमें एक्चुअली प्रिजर्वेशन जो होता है उसको एक्चुअली सही रखने के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारा गोडाउन से आने से और जो लोगों के पास पहुंचने में जो समय लगता है इस समय के व्यवधान में कभी चांसेस ये बनता है कि इसमें किसी प्रकार का कीड़ा जो भी एक्चुअली बढ़ सकता है, तो इसको सही रखने के चक्कर में हमने प्रिजर्वेशन को एक्चुअली इसको सही रखने के चक्कर में हमने कई सारी नियम को एक्चुअली पालन करते हैं। जैसे उसमें हमने हर 15 दिन में स्टॉक को एक्चुअली हम जांच करते हैं, उसका फिजिकल पैरामीटर जैसे कि डैमेज हो गया डिस्कलर और उसका मॉइस्चर नमी कितना इसको हमने जांच करते हैं। सिमिलरली गेहूं में भी एक्चुअली उसमें जो यूबिलाइजेशन हो गया किसी में कितने में एक्चुअली कीड़ा लग गया उसको हमने इसको हिसाब रखते हैं। इसके अलावा हमने उसको सही रखने के चक्कर में हमने उसमें किसी भी प्रकार केमिकल जो हमारा एक्चुअली सरकार के द्वारा या जो खाद्य मंत्रालय द्वारा जो सेफ केमिकल बताया गया उसको हमने उसको स्प्रे करते हैं। उस स्प्रे के दौरान एक्चुअली हमने 3 केमिकल को यूज़ करते हैं, जैसे मलाथियन होता है जो कि हम हर 15 दिन में स्प्रे करते हैं, उसके एक डेल्टा मेथ्रीन है जिसको हमने 3 महीने में एक बार स्प्रे करते हैं, और जब किसी अनाज में अगर कहीं कीड़ा हो गया तो उसको हमने उसको ALP जो अल्मीनियम फॉस्फाइड टैबलेट बोलते हैं उसको एक्चुअली हमने टैबलेट लगाया कि उसको कवर करा देते हैं, तो उसमें जो कीड़ा रहता है जो वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये रखे जब हम इशू भी करते हैं, जब लोगों के पास हमने इसको देते हैं सरकार के भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि एक्चुअली NFSA हो गया, PMGKY हो गया, अभी जो प्रधानमंत्री का ये चल रहा है, MDM हो गया, ICDS हो गया, देन डिफेंस को हो गया, या जो ओपन मार्केटिंग सेल हो गया, इस तहत हम देने के चक्कर में एक्चुअली हमने दोबारा भी उसका गुणवत्ता हमने जांच करते हैं और वो जॉइंटली हम कराते हैं। तो दोनों जो लेने वाला जो होता है और हम एक्चुअली FCA दोनों मिलके उस स्टॉक को फिर से दोबारा जांच किया जाते हैं, अगर वो सही मानक में है तो उनको देते हैं, जो सही मानक नहीं होता है तो उसमें हमने उसको अलग सा उसको फिर से उसको जो फीड कैटेगरी हो गया जो फूड में नहीं रहता है उसको फीड कैटेगरी के तहत उसमें टेंडर सेल करके हमने उसको ख़त्म कराते हैं। तो मोटा मोटी हमने FCI ने कि लोगों के पास सही अनाज और सही गुणवत्ता वाला अनाज पहुंचाने के प्रयास में आज हमने इसमें आगे चल रहे हैं, और इस तहत एक्चुअली मैं बोलूँ एक्चुअली जम्मू कश्मीर काफ़ी अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ जो गोदाम है बड़ी काफ़ी दूरी में है और पहाड़ी इलाका में है, फिर भी इसके बावजूद भी हमारा FCI J&K यहाँ का जितना लोकल प्रोक्योरमेंट है उसको साथ में लेते हुए उसके बावजूद भी जो कमी होता है हमने पंजाब से हमने यहाँ से रोड मूवमेंट के तहत या रेल मूवमेंट के तहत लोगों के पास पहुँचाने में आज सक्षम है। FCI J&K रीजन के अंडर में दो पार्ट आता है, एक आता है यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख, ये दोनों ही हम लोग कट करते हैं।
यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास 26 डिपो है और यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख में हमारे पास में 6 डिपो है ऑपरेशनल, और हम लोग अभी 2 डिपो और नया यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। कुल मिला के 34 डिपो है जिसको हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे जे एंड के लद्दाख जो मिला के है इसमें हमारा उत्पादन काफ़ी कम होता है, अनाज का उत्पादन काफ़ी कम है, तो मैक्सिमम अनाज जो है हम लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। तो ये खुशी की बात है कि हमारा नज़दीक वाला राज्य जो है पंजाब, ये एक सरप्लस स्टेट है, तो हम लोग वहाँ से रेल के माध्यम में और रोड के माध्यम में दोनों के माध्यम में हर एक जगह में स्टॉक पहुँचाते हैं। जम्मू से लेके हम लोग लद्दाख आपका लेह तक हम लोग स्टॉक पहुँचाते हैं। इसमें हम लोग आपके जितने भी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ अपना स्कीम्स है, उसमें अलावा आर्मी को जो अनाज पहुंचाना होता है, ये सारा जो है FCI ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है। FCI स्टॉक लाके स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर करती है और स्टेट गवर्नमेंट इसको एंड बेनिफिशियरी जो आपके लाभार्थी है लास्ट उनके तक पहुंचाती है। जैसे ही मेरे सती ने बताया आपको कि अभी हम लोग यहाँ पे PMGKY और जो 45 days इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। PMGKY के तहत करीब अभी तक हम लोग 500,000 MT का मुफ्त में राशन यहाँ पे लाभार्थियों को बांट चुके हैं। अभी भी इसका स्कीम चालू है तो आगे भी हम लोग बढ़ते रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से स्कीम आएगा। और हमारे पास यहाँ पे अभी सफिशियंट चावल और गेहूँ अवेलेबल है कि हम लोग जम्मू और कश्मीर का रिक्वायरमेंट जो है कभी भी किसी भी वक्त में उसको पूरा कर सकते हैं। तो FCI की तरफ से ही प्रयत्न है कि हम लोग लोगों को क्वालिटी रखते हुए अच्छा क्वालिटी का चावल, अच्छा क्वालिटी का गेहूँ लोगों को टाइमली पहुँचाए ताकि लाभार्थियों को उनका जो बेनिफिट है सरकार की तरफ से जो NFSA एक्ट में जो उनको वादा किया गया है वो हम लोग पूरा कर सकें। हमारा ये फेयर एवरेज क्वालिटी व्हीट है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पेसिफिकेशन फिक्स किया है उसके तहत हम लेते हैं और वही हम इशू भी करते हैं। ये हमारा फेयर एवरेज क्वालिटी राइस राव है, इसको हम अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया और उसी के अनुसार हम इशू भी करते हैं। पिछले साल से 2021-22 से एक नया राइस फोर्टिफाइड राइस करना जिसमें आपका आयरन, साइनोकोबालेमिन और फोलिक एसिड मिला रहता है, इस राइस को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और दो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद बोले हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन कि 2024 तक इसको 100% सभी स्कीमों के लिए लागू कर दिया जाए।